नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें श्रीकांत त्यागी प्रकरण में 10 लड़कों पर हुए मुकदमे का मामला त्यागी समाज के लोगों ने मुकदमा वापस करने को लेकर नोएडा सीपी से मुलाकात की है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मामले में दोबारा जांच के बाद एक्शन लेने को कहा है दरअसल आज त्यागी समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में पुलिस कमिश्नर नोएडा से मुलाकात की है आपको बता दें कि साल दो जुलाई में एक घटना नोएडा में हुई थी उस घटना में त्यागी समाज के दस युवाओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था त्यागी समाज का कहना है कि ये दस युवा सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के परिवार के लिए पानी और खान पान की व्यवस्था करने के लिए गए थे त्यागी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने इस केस को वापस लेने की मांग की है लक्ष्मी सिंह ने कहा कि किसी भी निर्दोष को फंसाने के उद्देश्य से कार्रवाई नहीं की जाएगी इस मामले में दोबारा से जांच होगी और जो भी सामने आएगा उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा दरअसल त्यागी समाज के नेताओं का कहना है कि शनिवार को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और साथ ही ये कहना है कि श्रीकांत मामले में नोएडा पुलिस ने 10 निर्दोष युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था त्यागी समाज ने युवाओं के ऊपर लगाए गए आरोपों और मुकदमों को वापस लेने के लिए लक्ष्मी सिंह से गुहार लगाई है त्यागी समाज का कहना है कि लक्ष्मी सिंह ने सभी मुकदमों को समाप्त करने का आश्वासन दिया है और उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले करीब एक से दो दिन के भीतर सभी मुकदमों को समाप्त कर दिया जाएगा इसके श्रेय त्यागी समाज के नेताओं और वरिष्ठ लोगों को जाएगा इस मामले में त्यागी समाज ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की थी भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये बात पहुंचाई हमारा त्यागी समाज का डेलीगेशन आज एक प्रकरण हुआ था नोएडा में शरीरांत प्रकरण उसमें जो दस बच्चे निर्दोष उस समय किसी वजह से बंद कर दिए गए थे उनके संबंध में आए थे कि उनको उनके केस को समाप्त किया जाए उनका कोई दोष नहीं था और इसका हमें आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि एक दो दिन में वो केस समाप्त हो जाएंगे और इसका श्रेय इसका जो श्रेय है पूरा हमारे त्यागी समाज के जितने उपस्थित लोग हैं ये जागरूक लोग हैं और इन्होंने नेताओं को उनमें हमारे बसंत जी हैं इनको पकड़ा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र जी तक वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाई उन्होंने योगी जी से संपर्क करके और इनको आदेश दिया अब भाई इसको निपटाइए जब इनका दोष नहीं है तो इनको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इनका केस समाप्त करिए पंद्रह जिलों के विभिन्न अंचलों से त्यागी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था और उन्होंने एक मांग उठाई थी पिछले वर्ष में जुलाई के माह में यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उनके अनुसार दस उनके समाज के दस नवयुवकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और इस केस को वापस लेने की उन्होंने मांग की है इसको गहराई से इसमें देखेंगे क्या तथ्य अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे जो न्यायपूर्ण होगा वही कार्रवाई की जाएगी इन्होंने एक ही मुकदमे की बात की है और इनका कहना है कि सोसाइटी में उस समय ये दस नवयुवकों के द्वारा संबंधित परिवार को अन्न और पानी की सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बाकायदा सोसाइटी में परमिशन लेके एंट्री की गई थी और इनके द्वारा किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया था ऐसा उनके ज्ञापन में दिखा गया है